karate class chal raha tha. 29/8/1964. 10 पेज पर मध्यादि में बात चल रही थी. कि ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है, जन्म कैसे मिलता है, ये नॉलेज मैं तुम बच्चों को देता हूँ. सबको तो इतने मैक्सिमम जन्म नहीं मिलते हैं जितने तुमको मिलते हैं. किसको मैक्सिमम, किसको मिनिमम. मिनिमम कितना ये भी सभी याद करना होता है. फिर भी अगर सभी याद न पड़े, अब बहुत क्या सुनावे. अच्छा, एक को तो याद करो ना. कि वो बाबा हमको लेने आया हुआ है. अभी 84 जन्म पूरा हुआ. अभी बाबा के साथ जाना है. इसलिए अच्छी तरह से बाप को याद करते रहना है. क्या कहा? अच्छी तरह से बाप को याद किस लिए करते रहना है? बाप के साथ नहीं जाना, बाबा के साथ जाना है. बाप और बाबा में क्या अंतर है? बाप माने आत्माओं का बाप, बेहद का बाप. और बाबा माने जो आत्माओं का निराकार बाप है, वो बाप साकार में प्रवेश करके बाबा बनता है. आत्माओं के बाप को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा माने ग्रैंडफादर. वो तो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का क्या है, बाप है. दूसरा कोई संबंध नहीं बनता. जब शरीर में आते हैं तो बाबा है, ग्रैंडफादर है. प्रजापिता बाप है, फादर है मनुष्य सृष्टि का. और प्रजापिता का भी बाप बाबा कहेंगे, ग्रैंडफादर. लेकिन शरीर में है तब कहेंगे. जहां तक जीवे तो विकर्म विनाश हो जावे. इसलिए बाप को याद करो. तो जहां तक जीना है वहां फिर पढ़ना भी है.
जीने का मतलब क्या है? जिंदा है। इस बात में जब तक देवान में जिंदा है तब तक पढ़ाई पढ़नी है। जब पक्के आत्माभिमानी 100% बन जावे तो पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक तरफ में विनाश विकर्मों का करना है और दूसरी तरफ में हमको राजाई मिलती जाए। दोनों साथ साथ होगा क्या है? एक तरफ और दूसरी तरफ। एक तरफ क्या होता जावे? विकर्म विनाश होता जावे। और जितना जितना विकर्म विनाश होता जावे उतनी हमको राजाई भी मिलती जावे। ये कैसे संभव है? है विकर्म विनाश होने के साथ साथ राजाई मिल सकती है क्या? है आत्मा परमदेव को जीत पा जाता है। जितने जितने आत्मा का बोझा कम होता जावेगा उतना उतना आत्मा हल्की फुल्की प्रफुल्लित रहेगी। और हल्की फुल्की प्रफुल्लित आत्मा को पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे? है पसंद करेंगे, प्रभावित होंगी। और जो जो प्रभावित होते हैं वो प्रजा कहे जाते हैं। प्रभावित करने वाला राजा कहा जाता है। तो यहां से ही अनुभव होना है कि हमारी राजाई कितनी बड़ी होगी। इसलिए बोला एक तरफ में विकर्म विनाश होते जावे और दूसरी तरफ राजाई का अनुभव होता जावे। तो फिर तुम विकर्माजीत महाराजा बन जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण को विकर्माजीत कहते हैं। तो उन विकर्मों को जीतने वाले लक्ष्मी नारायण का कौन सा संबंध है? है उनका संबंध कौन सा है? है तो विकर्मों को जीतने का संबंध तो है, लेकिन कौन सा संबंध है? विकर्मी संबत वो तो 2500 साल का है। जैसे शक संबत है, ईसवी संबत है 2000 साल, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का कौन सा संबत है इस समय? मोहम्मद का 1400 ईस्वी कहेंगे, 1400 वर्ष पहले आया। तो लक्ष्मी नारायण का कौन सा संबत कहें? 5000 वर्ष।
तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे पुराना संबत है या नया है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के संबत को क्या कहेंगे? नया कहेंगे या पुराना कहेंगे? नया है। किसे साबित होता है कि नरस नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण ने 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे पहले अपने विकर्मों के ऊपर जीत पाई थी। तो देखो, तुम जान सकते हो इसका संबत अभी क्या हुआ, किसका है? इसका बाजू में जो बैठा है, 64 की वाणी है ना, तो इसका संबत क्या हुआ? 5000 वर्ष से 50 वर्ष का। सतयुग के आदि में कहेंगे इस ब्रह्मा का, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण का संबत लगभग 5000 वर्ष और नरनारायण का संबत उससे भी पहले। समझा? फिर विकर्म करने वाले का संबत, विक्रमाजीत संबत, क्योंकि वो आधा से फिर विकर्मी हो जाते हैं। आधा माने 2500 वर्ष के बाद विकर्मी हो जाते हैं। फिर उन विकारियों का संबत यानी रावण राज्य का संबत, तो वो राम राज्य का संबत कौन सा? राम राज्य का संबत कौन सा? नरसे नारायण बनने वाले का संबत और 2500 वर्ष के बाद विक्रमाजीत का संबत मन क्या हुआ? अरे किसका संबत कहे? वो राम का संबत। ये कहेंगे रावण का संबत। इसलिए वेदों की एक ऋचा में आया है, रावणो ब्रह्म। रावण के कितने सिर? उन सिरों का मुखिया कौन है? गधा। बाप बच्चे को गधा कह के बोलता है, उसका क्या कारण होता है? बच्चे की बुद्धि उतना काम नहीं करती है। तो कहा जाता है गधा। गधा क्यों कहा?
भगवान ज्यादा, क्योंकि गदा कितनी भी बार स्नान कराओ क्या करेगा, देवान की मिट्टी में लोट जावेगा। क्यों लोट जावेगा? क्योंकि गधे की बुद्धि में ज्ञान का ज्ञान जल की एक बूंद भी बैठती नहीं है। कान नहीं है क्या? है कान तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, समझ शक्ति नहीं है। इसलिए ब्रह्मा को बच्चा बुद्धि कहा। तो ये हुआ राम राज्य और ये हुआ रावण राज्य का संबंध। रावण राज्य के संबंध को 2500 वर्ष हुआ। ऐसी ऐसी बातें भूल तो नहीं जाएंगे ना? है रावण राज्य का पहला राजा कौन है? विक्रमादित्य। कौन सी आत्मा? तो राज्य किसका? यथा राजा तथा प्रजा कही जाती है। अच्छा अभी तो तुम बच्चों ने बहुत सुना, फिर भी बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, क्योंकि क्यों देही अभिमानी भव है? तुमको क्यों कहते हैं देही अभिमानी भव है? नहीं तुमको माने क्या? तो सन्मुख बैठे बच्चों को ही क्यों कहते हैं देही अभिमानी भव, औरों को क्यों नहीं कहते है? बाप बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को। इसको या इनको इनके फॉलोअर्स को नहीं, उन धर्म पिताओं को या उनके फॉलोअर्स को नहीं, तुम बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम बच्चे बाप को पहचानते हो। क्या पहचानते हो? कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से लेकर के इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि जो भी धर्म पिताए हैं, मनुष्य धर्म गुरु हैं, वो सब देह अभिमानी हैं, और उनसे सुनने वाले क्या बनते हैं? नंबरवार देह अभिमानी बनते हैं। और तुम देही अभिमानी बनते हो, क्योंकि तुम आत्माओं को बाप सुनाई रहे हैं। बाप में और उन धर्म पिताओं में, ब्रह्मा इब्राहिम आदि में क्या अंतर हुआ? जो तुम देही अभिमानी बनते हो, बाकी उनके फॉलोअर्स देही अभिमानी नहीं बनते हैं। अंतर क्या है उन धर्म पिताओं में और आप में? क्या अंतर है? हाँ, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला बाप 100%
क्या है? देही अभिमानी है, निराकारी है। तो उठते चलते फिरते बाप को भी याद करो और इस नॉलेज को भी धारण करो। इस नॉलेज को धारण इसलिए करो कि शंख ध्वनि कर सको। शंख ध्वनि क्या होता है? है ये मुख क्या है? ये मुख शंख है। जैसे उस शंख में फूंक मारने से, उसमें फूंक डालते हैं तो हवा निकलती है ना बाहर, ऐसे ही इस मुख से जब बोलते हैं तो हवा बाहर जाती है या अंदर आती है, और हवा के साथ आवाज भी आती है। उस शंख में भी ऐसे ही होता है, और ये चैतन्य शंख में भी ऐसे ही होता है। तो जब इस नॉलेज को धारण करेंगे तो अंदर में सुदर्शन चक्र तो फिरेगा ना, पर इस सुदर्शन चक्र को तो तुम जानते हो, और जो जानते हैं वो सुनाएंगे जरूर। शंख ध्वनि तो करनी होगी ना, इसलिए फिर शंख ध्वनि को शंख ध्वनि भी करनी है, क्योंकि शंख ध्वनि करेंगे तो आप समान बनावेंगे, नहीं करेंगे तो आप समान कोई नहीं बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। किसी मुरली में कहा कि धारणावान आत्मा मुझे बहुत प्रिय है, विशेष प्रिय है। शास्त्रों में भी लिखा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ज्ञानी क्यों प्यारा लगता है? बहुत है, क्योंकि जो बाप का खून सो बच्चों का खून। बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, बाप में ज्ञान युक्त संकल्प हैं, संकल्पों का खून है। तो बच्चों में भी ज्ञान के संकल्पों का खून है। तो जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञान तो सुनाते रहेंगे ना। कि जड़ चित्रों की प्रदर्शनी करते रहेंगे हैं? ज्ञान तो सुनाते रहेंगे ना, क्योंकि ज्ञान की धारणा होगी तो सुनाएंगे ना। अगर सिर्फ कहें हम बाबा को याद करता हूं, अरे भाई याद तो करते हो पर शंख कैसे बजाएंगे? नहीं,
याद भी हो और शंख ध्वनि भी हो, तब कहे जाएंगे कर्म योगी। ये मुख कर्म है, कर्मेंद्रिय है ना, तो कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है और याद भी करना है। याद माना योग, माना एवर हेल्दी बनना, और ज्ञान का शंख बजाना माना एवर वेल्दी बनना। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं, वो सुखी है। अगर हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो भी सुखी नहीं कहे जाएंगे। वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी सुखी नहीं। तो तुम बच्चों को बाप से हेल्थ एंड वेल्थ का वर्षा मिलता है, हूबहू कल्प पहले मुआफिक मिलता है। 29-8-64 की वाणी का 11वां पेज। तुम भी कहते हो बाबा हम बरोबर 5-4 वर्ष पहले मुआफिक, फिर आपसे अपनी हेल्थ एंड वेल्थ का वर्षा ले रहे। बस उस हेल्थ रूपी योग और वेल्थ रूपी ज्ञान में सब आ जाता है। अच्छा बच्चों को टोली खिलाओ, ये किसने बोला? ये ज्ञान सुनाते सुनाते इन्हें टोली क्यों याद आ जाती है? भक्ति मार्ग में कथा सुनने जाते हैं तो कथा सुनने वालों को जल्दी होती है, जल्दी पूरी कथा हो, बोई बोई कथा की बातें बार बार सुनाते रहते हैं तो कथा जल्दी से पूरी हो और फिर क्या हो, प्रसाद मिले और हम जल्दी से घर जाएं। तो टोली बच्चों ने लाई, बाबा ने भी खाया, मिलजुल करके खाया। देखो मैं थोड़े ही खाऊंगा, ये किसने बोला? मैं खाऊं तो फिर खाऊंगा, ये मीठा है। मैं तो उस मीठे खट्टे तीखे से निर्लेप हूं, ये सन्यासियों ने उल्टा ले लिया है कि बाप निर्लेप है तो हम भी निर्लेप हैं। ऐसा होता है क्या? है क्यों नहीं होता है? बाप जन्म मरण से न्यारा है और हम बच्चे जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। तो जो बच्चे आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, वो लेप छेप से परे कैसे हो सकती? जो लेप छेप से परे होगा वो तो
न नीचे गिरेगा और न ऊपर उठेगा। तो सन्यासी कहते हैं कि बाप निर्लेप है तो हम आत्मा भी निर्लेप है, क्योंकि हम बाप के बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे तो भले समझो, फिर अपन को बाप क्यों समझते हो? क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा कहते हो? हम सभी आपस में ब्रदर्स हैं, सो तो सभी आत्माएं हैं ना ब्रदरहुड। फिर अपन को परमात्मा कह करके फादरहुड कैसे कहते हो? और फादरहुड फिर वर्षा किससे लेंगी? तो बच्चा वो जो सर्विसेबल हो, उनको आप समान बनाने का भी बहुत शौक होता है। क्योंकि जिसको आप समान बनाएंगे तो क्या बनेंगे? है नहीं, जिनको आप समान बनाएंगे वो वारिस बनेंगे। बाकी बच्चों को प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो किसके ऊपर राजी करेंगे? देखो कौन आए हैं, बाप आए हैं, बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाऊं। जिस बच्चे को है कि मैं भी यहाँ हर एक को स्वर्ग का मालिक बनाऊं, सो भले एक आ जावे, जो भी हो आवे। अच्छा आओ बच्चे। किसी बच्चे ने कहा नहीं बनूंगा। अरे क्यों नहीं बनूंगा? किसी ने कहा इसलिए नहीं बनूंगा कि अगले जन्म में मुझे नहीं जाना है? क्या तुम्हारा ये मतलब है कि तुम कोई का भी जीवन नहीं बनाओगे? हम कहें कि ये बच्ची दुखी है, उनको उनकी माई कहती है शादी जरूर करनी होगी, और वो कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा भला कोई युगल ऐसा मिले गंधर्व विवाह करे, तो मैं उनसे अपना पर्दा दे सकता हूं। तो हम दो मिलकर के और ज्ञान शिक्षा पर बैठ करके हम दोनों पद पाए लेंगे। तो किसी ने कहा नहीं बाबा, ये भी एक प्रतिबद्धता की बात हो जाएगी, इसलिए नहीं,
ये तो बहादुर बनना चाहिए, क्योंकि तुमको ब्रह्मचारी युगल बन करके दिखलाना है। तो बहुतों की बुद्धि में आ जाता है कि बाबा ने तो कह दिया है ब्रह्मचारी युगल बन करके दिखाना है, इसलिए हम आपस में गंधर्व विवाह करेंगे। अरे क्या तुम बच्चे ऐसे कह सकते हो? हाँ नहीं है वो तो ठीक है, अभी तो बाबा ने बोल दिया ना तुमको ब्रह्मचारी युगल बन करके दिखाना है, तो बाबा ने तो बता ही दिया ना, दिखाना है तो क्यों ना युगल बने। लेकिन अभी क्यों युगल नहीं बन सकते है? नहीं, अभी युगल क्यों नहीं बन सकते है? नहीं, ब्रह्मा बाबा की वाणी थी। अरे ब्रह्मा बाबा की वाणी थी तो क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा की वाणी वेद वाणी कही जाती है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेद वाणी से ही दो मालाएं साबित होती हैं, एक रुद्रमाला और दूसरी विजय माला। कौन सी माला पहले प्रत्यक्ष होती है? रुद्रमाला। किसके बच्चे? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने वाले रुद्र के बच्चे। तो हमारा बाप कौन हुआ है? रुद्र हमारा बाप है, जिसके हम बच्चे हैं। तो आपस में क्या है? भाई भाई है। अगर शरीर से देखें प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है तो भी भाई बहन है। भाई बहन आपस में शादी करेंगे युगल बनेंगे क्या है? लेकिन ऐसे विचार तो आते हैं ना बहुतों को, क्योंकि ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी है क्यों? क्यों ज्ञान की कमी है? जब बाप के बच्चे हैं, बाप ज्ञान का सागर है, तो बच्चे भी बाप समान होने चाहिए ना। अगर ज्ञान की कमी है और कमी होने के कारण शादी वादी या युगल बनने के संकल्प आते हैं आपस में, तो बाप क्या कहेगा है? बाप कहेगा कुल कलंकित है, बाप के कुल को कलंक लगाने वाला है, भाई होकर के बहनों को ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं। ऐसे संकल्प तो द्वापर के आदि में जब इब्राहिम आया
उनकी जनरेशन थी क्या? है? नहीं थी। तो उनको संकल्प आते थे क्या? भाई बहनों में शादी होती थी। आज भी मुसलमानों में वो परंपरा चल रही है, सिर्फ माँ का दूध बचाते हैं, बाकी मामा की लड़की, चाचा की लड़की, शादियां कर लेते हैं। तो ऐसे जिनको ये संकल्प आते हैं या प्रैक्टिकल में भी कर लेते हैं, तो उनको कौन से धर्म का कहेंगे? क्रिश्चियंस ने भी उनको फॉलो किया है, जरूर कहेंगे कि और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। बाप के बच्चे नहीं है, बल सन्मुख बैठे हैं, लेकिन बाहर से सन्मुख बैठे हैं या अंदर दिल से भी सन्मुख बैठे हैं? दिल से बाप के बच्चे नहीं बने हैं। तो भी ये ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफियर करके बोल देते हैं क्या? बाप ने तो कहा शादी बर्बादी, अब ब्रह्मा बाबा क्या बोल देते हैं? ज्ञान तलवार बीच में हो और कोई की जीवन बनाने के लिए ऐसे संकल्प आते ना कि इस कन्या का हम जीवन बनाए दे, नहीं तो बिचारी का कोई अज्ञानी के साथ शादी हो जाएगी, तो जीवन बनाने के लिए नहीं तो बेचारी कुछ जाएगी, कोस घर में चली जाएगी। हमारे पास बहुत एप्लीकेशंस आती हैं। बाबा कोई ऐसा ज्ञानी तू आत्मा बच्चा हो वो बच्चा मुझे दो, नहीं तो ये हमको कहीं फट से शादी करा देंगे। पीछे अगर हम कह देवे तो किसी बच्चे ने कहा नहीं बाबा हमको स्वतंत्र रहना ही अच्छा है, तो बाबा क्या बोले? नहीं मैं नहीं मानता हूं। किसने बोला? तुम कच्चे हो। किसने बोला? हैं? ये कच्चे हो किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। अगर तुम किसी बच्ची का जीवन नहीं बनाते हो, उसकी शादी हो रही है, जीवन बनाते हो तो पक्के हो और जीवन नहीं बनाते हो तो कच्चे हो। है? जीवन बनाते हैं तो पक्का। जीवन बनाते हैं, दूसरी मुरली में तो कहा पहले ही दिन ढेर हो जावेंगे। अगर शादी की तो बाबा तो कोई वक्त में ऑर्डर कर देंगे
कोई वक्त में कोई टाइम ऐसा भी आएगा बाबा ऑर्डर कर देंगे वो कौन सा टाइम आएगा है बच्चे कहते हैं बाबा हमारा बाप कहता है शादी जरूर करना हम ना करते हैं तो मार पीट करते हैं भला अभी हम क्या करें भला अगर हम कोई दूसरी लेंगे और वो भिखारी न बने अपने धर्म की न होगी अपने घराने की न होगी वो आएगी तो हमारा माथा खराब कर देगी बाबा हमको तो कोई अच्छी बच्ची चाहिए बच्ची वाले कहते हैं हमको कोई बच्चा चाहिए हमारे पास लिस्ट पर रहती है यानी कोई बच्चों को मार मिलती है शादी करने के लिए और कोई बच्चियों को मार खा मिलती है शादी करने के लिए फिर तुम बताओ इतना पहलवान हो किसी ने कहा बिल्कुल पहलवान है मैं जो कहूंगा सो मानोगे किसी ने कहा हाँ आप जो कहेंगे मानूंगा मैं कहूंगा गंधर्व विवाह करो कोई भी ज्ञान में चलने वाली देखो सन्यासियों को दिखलाना है क्या कि हम शादी करके भी एक साथ रह करके भी पवित्र रहते हैं पवित्र जीवन बिताते हैं उनको बोलो तुम लोग कहते हो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सर्प और सर्पिणी इकट्ठे नहीं रह सकते इसलिए तुम भाग जाते हो और भाग करके फिर क्या करते हैं है? क्या निर्विकारी हो जाते हैं हो जाते हैं जिसको छोड़ते हैं उनको तो नागिन कह देते हैं और वो कहते हैं कि हम भी सर्प थे परंतु हम तो भाग निकले जाकर जंगल में देवे थे इसलिए वो समझते हैं कि अभी हम सर्प नहीं हैं उन्तीस आठ चौसठ की वाणी का बारहवें पेज की दूसरी लाइन बाप कहते हैं वो एक भीष्म पितामह था ये भीष्म पितामह तो मेल का नाम है
परंतु फीमेल का नाम भी तो दिखाना चाहिए ना। जोड़ा रह करके कपूस और आग इकट्ठे रह करके प्योरिटी में रहकर दिखला भी, तभी तो गृहस्थ व्यवहार में वो उत्तम सन्यासी कहेंगे ना। नाम ही ऐसे है। भले बाबा ऐसे कहते नहीं है कि नहीं, जरूर तुमको कराऊंगा, परंतु अगर समझो किसकी जान बचानी हो तो ऐसे बाबा कर रहे हैं बरोबर। कोई देखो तुम्हारी कुल की कोई स्त्री कन्या आती है और उनका बाप मारते नहीं है, वो कहते हैं कि तुमको शादी जरूर कराएंगे, नहीं तो मारेंगे पीटेंगे। एकदम उस बच्ची के ऊपर, बच्ची को ऊपर से फेंक देते हैं, नीचे जाकर पड़ती है। नहीं तो तुमको बहुतों की हिस्ट्री सुनाऊं। अच्छा, वो बच्ची कहती है मैं मर जाऊंगी, शादी अगर करूंगी तो ब्राह्मण से करूंगी, क्योंकि ब्राह्मण ही बनी है ना। अभी उनको ब्राह्मण कहां से ले आऊं, फिर तो मुझे ब्राह्मण पकड़ना पड़े। है क्या पकड़ना पड़े? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद भी तो दो तरह के हैं, एक मुख वंशावली एक कुख वंशावली। मुख वंशावली माने जो बाप मुख से कहते हैं उन बातों को मानने वाला, और कुख वंशावली जो बाप के मुख की वाणी को महत्व नहीं देता, ब्रह्मा की वैद वाणी को महत्व नहीं देता लेकिन गोद को ज्यादा महत्व देता। गोद ज्यादा याद आती है। तो उनको कुखवंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण पकड़ना पड़े। अब बताओ कौन सा ब्राह्मण पकड़ में आवेगा? है कुखवंशावली ब्राह्मण होगा तो पकड़ में आवेगा। अगर मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ तो कहेगा हम अपने कुल में शादी कैसे करेंगे? वो परंपरा भारत में अभी भी चली आ रही है। क्या अपने कुल में शादी नहीं करते हैं?